आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए तुरई की सब्जी बनाने का कुछ नया और डिफरेंट तरीका। आप लोगों ने तो तुरई की सब्जी को बहुत तरीके से बनाकर खाया होगा, एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही लाजवाब सी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तुरई को बनाने के लिए हम पहले तुरई को छील के काट के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यह आधा किलो तुरई ली है, तो इस तरह से इनको गोल टुकड़ों में काट लिया है, गोल आकार में इस तरह से काट लेंगे और इनको धो के लेंगे साफ़ करके। अब हम सब्जी बनाएंगे, तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर लहसुन अदरक हरी मिर्च को चटकने के लिए कढ़ाई में डालेंगे और इसी के साथ जीरा डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम चटकने देंगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज, तो यहाँ पर प्याज को हम काट के छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट के लेंगे। जब हम काट के प्याज को सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। यहाँ पर प्याज है जो सुनहरी हो चुकी। अब हम डाल रहे हैं इसमें एक चम्मच बेसन। यही है तुरई की सब्जी बनाने का नया तरीका कि जब हम इसमें बेसन डालते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट हमारी तुरई की सब्जी बनती है। अब हम इसमें डाल देंगे मसाला, तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। मसाले यहाँ पर मैंने बहुत ही कम इस्तेमाल किए हैं। अब हम मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर बेसन भी बहुत अच्छे से भून चुका है, इसमें झाग बन रहा है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पर जब हम टमाटर की प्यूरी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा मसाला बनता है और सब्जी को बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। नमक डालने से टमाटर है बहुत जल्दी से अपना तेल छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर नमक के साथ गरम मसाला भी डाल देंगे और एक बार इस तरह से चला देंगे। अब टमाटर जब तक तेल ना छोड़ने लगे तो इनको हम चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टमाटरों ने थोड़ा तेल छोड़ दिया है, तो अब हम तुरई को डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सा मसाला बना के तैयार किया है, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है। बस इसमें हमने बेसन डाला है, उसके कारण इसमें बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और इसकी जो ग्रेवी होती है बहुत अच्छी बनती है। तो तुरई को हम इस तरह से मिला के और इसको ढक देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको मीडियम आँच पर 5-6 मिनट के लिए ढका था। इतने में जो तुरई है ने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तुरई ने भी अपना पानी छोड़ा था, देख सकते हैं। मैंने इस सब्जी में जितना तेल इस्तेमाल किया था, इस सब्जी ने तेल को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब कि सब्जी अच्छे से पकी है। अब हम यहाँ पर हरी धनिया डालेंगे और अपनी सब्जी को एक बार और अच्छे से चला देंगे। धनिया डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो आज की तुरई बनाने का मेरा तरीका आप लोगों को कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तुरई की सब्ज़ी को आप रोटी, पूड़ी, पराठे, चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। मैं आप लोगों को पास से दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बनी है। इसमें ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं किया था, बहुत ही कम मसालों में बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। तो इस तरह से बनाइए, खाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।